सीहोर प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर प्रथम चरण में ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन देने के बाद द्वितीय चरण में मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के नाम जिला स्तरीय ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर ब्रजेश सक्सेना को दिया गया। दरअसल प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई 2020 और जुलाई 2021 की शेष है, साथ ही प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों का जुलाई 2019 से लेकर जून 2021 तक का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स की महंगाई राहत 16% बकाया है, जिसकी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जो है मध्य प्रदेश में जो है वेतन वृद्धि के संबंध में हमने प्रांतीय शिक्षक संघ प्रदेश आह्वान पर अधिकारी का हमारा जारी जिला स्तर पर ज्ञापन दिया है। आज जिला स्तर पर हम ज्ञापन दे रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जा रही थी माननीय मुख्यमंत्री शासन द्वारा, तो उसके संबंध में उसे बहाल करने के लिए हमने ये आज ज्ञापन दिया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया है कि समस्त अन्य राज्यों में भी जो है वेतन वृद्धि बहाल कर दी गई है, तो मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को लाभ देते हुए वेतन वृद्धि बहाल की जाए तथा जो डीए केंद्रों के समान जो डीए मध्य प्रदेश में नहीं दिया गया उसे भी दिया जाए, जिससे कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। सीहोर से ईएमएस टीवी के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।